नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। बेनार होटल में खाने की गुणवत्ता एवं सही मात्रा विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में होने वाली बीमारियों की मुख्य जड़ है भोजन की गुणवत्ता। यह बातें कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भोजन की गुणवत्ता में कमी देखी गई है, जो स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राय महिमा पतरे ने आज पंडरा कृषि बाजार स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और कल मतगणना को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले कंट्रोल रूम में उपायुक्त ने ऑब्जर्वर हरजिंदर सिंह, उप विकास आयुक्त दिग्यांशु झा, SDM गरिमा सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता के साथ एक ज्वाइंट ब्रीफिंग भी की। सारी तैयारियां हो गई हैं। आज जो है ऑब्जर्वर साहब की, माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ ब्रीफिंग है। जो कर्मी जिनकी ट्रेनिंग हुई थी उनको, काउंटिंग सुपरवाइजर को जो पेपर वर्क किया जाता है उसकी ट्रेनिंग आज दी जा रही है हॉल वाइज, जिससे कि उनको अभी तक ट्रेनिंग दी गई थी वो उनको एक कमरे में बैठा किया गया था, काउंटिंग हॉल में, जिससे कि उनको मालूम रहे। साथ ही साथ कल लॉ एंड ऑर्डर का जो डिप्यूटेशन होगा हर काउंटिंग हॉल में एंट्री पॉइंट पे मेन रोड से, उसकी अभी सभी की ब्रीफिंग की गई है। वो अपने स्थल पे रहेंगे कल सुबह 4:30 बजे से, उसको देखा जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय ने मतगणना में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई तरह की जानकारियां दी। धुरवा स्थित आवास में आयोजित बैठक में श्री सहाय ने कहा कि मतगणना कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। सभी कार्यकर्ता को सुबह 7 बजे तक मतगणना केंद्र पंडरा में पहुंच जाना है, ताकि समय से सभी पोलिंग एजेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। और उन्होंने कहा कि मतगणना के समय सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उधर भाजपा ने मतगणना की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक नगर विकास मंत्री CP सिंह के आवास में हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए CP सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कल मतगणना कार्य में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य में डटे रहना होगा। वहीं रांची लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि कल का दिन कार्यकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह के समय पर सभी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र पर पहुंच जाएं और निर्धारित समय होने पर अंदर जाकर अपना सीट पर बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता कल आईना दिखाने जा रही है। हार सामने देख कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल EVM का रोना रो रहे हैं। हार के डर से बौखलाए विपक्षी दलों की ओर से EVM पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। वो पहले कहते थे EVM हैक हो गई है, अब कह रहे हैं EVM बदल दी गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संपूर्ण देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस व उनके सहयोगियों ने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद ही ये साफ हो गया था कि देश की जनता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की सब्सिडियरी की परीक्षा में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साइकोलॉजी, भूगोल, अंग्रेजी आदि का प्रश्न पत्र ही नहीं छपा था, तो वही दूसरी ओर इतिहास, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों का प्रश्न सिलेबस के बाहर का आ जाने से छात्र आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।